नमस्कार, मैं हूं दिव्या रघुवंशी और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज बात करते हैं देश की प्रमुख तीन खबरों के बारे में। सबसे पहले, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मौके पर गूगल डूडल बनाकर बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। आपको बता दें, आज के दिन स्कूलों में बच्चों को खेल कूद और एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ऐसे में गूगल भी बच्चों के साथ इसी तरह की एक्टिविटीज़ करना चाह रहा है। गूगल ने बेहद रंग बिरंगा डूडल बनाया है। आपको बता दें कि गूगल डूडल आखिर में है क्या। गूगल डूडल बनाने के लिए बच्चों के बीच होता है कंपटीशन। गूगल हर वर्ष इस दिन के लिए भारतीय स्कूलों के बीच गूगल पर डूडल बनाने का कंपटीशन रखता है। इस बार भी यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे विनर होते हैं उनको गूगल होम पेज पर उनका डूडल लगाया जाता है। इस बार गूगल ने इसकी थीम व्हेन आई ग्रो अप आई होप रखी थी। यह प्रतियोगिता 5 क्लास ग्रुप तक के बच्चों के बीच आयोजित की जाती है। सभी पार्टिसिपेंट्स में से 4 ग्रुप के को नेशनल फाइनलिस्ट के तौर पर पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे में इस बार देखना यह दिलचस्प होगा, इस बार कौन विनर होगा। तो यह थी बाल दिवस के अवसर पर गूगल के द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता के बारे में कुछ अपडेट। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जुड़ी हुई है बॉलीवुड से। आज बेहद खास दिन है बॉलीवुड कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिए। आज उनकी शादी की पहली सालगिरह है। इस खास दिन पर और भी खास बनाने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह तिरुपति बालाजी मंदिर अपने परिवारजनों के साथ पहुंचे हैं और इसकी तस्वीर दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करी हैं। और इन तस्वीरों में दीपिका और रणवीर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए दीपिका ने लिखा, आज हम अपनी शादी की पहली सालगिरह के मौके पर भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक अन्य खबर की तरफ। हिंदी सिनेमा के गीत जब भी हम सुनते हैं और ख़ास तौर से पुरानी फिल्मों का, जब मधुर संगीत सुनते हैं भारतीय सिनेमा का गोल्डन पीरियड क्लासिक और यादगार बनाया स्वर साम्राज्य भारत रत्न लता मंगेशकर ने, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी भी कहते हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है, लता मंगेशकर को उनकी सेहत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी सेहत पर नज़र बनाई हुई है। हम हमारे देश की स्वर कोकिला के लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। और इसी के साथ हमारा यह 3 बुलेटिन वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।